चलिए एनसीईआरटी डिस्कशन में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। 16 भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको बुक के अंदर हिंट दे रखी है एनसीईआरटी बुक के अंदर कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई ऐसा लिख लीजिए मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन माइनस वन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, एक्स की पावर एन माइनस वन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ठीक है। ऐसा क्यों बोला है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू यहाँ पर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन जो कि एक्स की पावर एन प्लस वन। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से देखिए एक्स की पावर वन है और एक्स की पावर वन कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ऑफ डी एक्स, नीचे आपके पास ऑलरेडी बच जाएगा एक्स की पावर एन, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, इसकी पावर वन है इसकी पावर माइनस वन है कट जाएगा केवल एक्स की पावर एन बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना एक्स की पावर एन प्लस वन। अब एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर वाला टर्म होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट एक्स की पावर एन इज इक्वल टू टी, टी पुट करोगे तो डिफरेंशिएट कर लीजिए इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन दैट इज़ डी एक्स इक्वल टू डी टी, एन को नीचे भेज दीजिए तो एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई एन, यहाँ पुट कर लीजिए तब क्या टर्म कितना बन जाएगा, आप यहाँ से डी टी अपॉन में एन, ये आप कैसे हो गया टी और ये हो गया टी प्लस वन, ये हो गया टी और ये हो गया टी प्लस वन, दोनों टर्म्स आ गए, ठीक है ना। एक क्या हो गया आपके पास टी हो गया और एक हो गया आपके पास टी प्लस वन। इसे अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें कैसा होगा आगे। तो यहाँ से आपके पास बचेगा वन अपॉन में, इनको तो बाहर निकाल लीजिए कॉन्स्टेंट है तो जगह वन अपॉन में टी और टी प्लस वन, इसे लिखा मैंने ए अपॉन में टी और ये हो जाएगा बी अपॉन में टी प्लस वन, एलसीएम लगे थे यहाँ से कितना हो जाएगा ए टी प्लस वन और ये हो जाएगा बी टी, एक बार टी का वैल्यू जीरो क्योंकि यहाँ से टी इक्वल टू जीरो रख सकता हूँ और एक बार टी इक्वल टू क्या रखूँ माइनस वन, तो एट टी इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो तो वन इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस वन, तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास वन। सेकेंड टर्म में टी प्लस वन इक्वल टू जीरो रखा था आपने तो टी इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन, तो वन इक्वल टू बी इंटू माइनस वन तो बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस वन। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस पुट कर दीजिए यहाँ से तो इंटीग्रेशन ये वन अपॉन में आपका बाहर डी टी, ए का वैल्यू क्या था वन अपॉन में टी, बी का वैल्यू था माइनस वन अपॉन में टी प्लस वन इंटू ऑफ डी टी, वन अपॉन में ये हो गया लॉग टी, ये हो गया कितना एल एन, इसे भी आप एल एन लिख सकते हैं एल एन टी प्लस वन। यहाँ लॉग की आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप, अगर ये सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं तो इसे डिवाइड में लिख सकते हैं हम, कैसे वन अपॉन में एन लॉग टी अपॉन में टी प्लस वन, और टी का वैल्यू क्या था हमारे पास एक्स की पावर एन, पुट कर दीजिए तो वन अपॉन में एन एल एन एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 16 था, ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको पुटिंग कैसे करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 16 कंप्लीट। थैंक यू।